खुल गया राज। क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी जगहों में से एक हाजी अली की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती। चाहे सुनामी आए या बाढ़ का पानी, एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तभी तो समुद्र के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है जो समुद्र में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता। तो आखिर कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों बैन है। आइए हमारी इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिनमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं, और कहा जाता है इस दरगाह में मांगी हुई हर इच्छा, हर मुराद, हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुकात रखते थे। एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास एक महिला रोते हुए आती है। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वह तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब वापस घर जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली ने उसे चुप होने के लिए कहा और कहा, मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ तुम्हारा तेल गिरा था। वह महिला हाजी अली को लेकर अपने साथ उसी जगह पर चली गई जहाँ उसका तेल का बर्तन गिर गया था। वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने जमीन पर अपना अंगूठा गाड़ दिया, और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला वहाँ से तेल का फुवारा बहने लगा, जिसे देखकर वो महिला इतनी खुश हो गई कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत गिरते हुए तेल को अपने बर्तन में भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई, उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे, यहाँ तक कि वह बीमार भी पड़ गए। और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुँचाई है, और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत हो गई। यह बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि उनका ताबूत बिना डूबे समुद्र के साथ बहते बहते मुंबई जा पहुँचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनमें कोई न कोई असामान्य शक्ति मौजूद है, इसलिए मुंबई के हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया। और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है जो कि 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं। सफेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में 85 फीट की मीनार बनी हुई है जिसकी नक्काशी बेहद ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है, और ये सभी चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है जहाँ जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं, और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर ये कहें कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखाई ही नहीं देता। इस बीच अगर कोई पुल पर खड़ा हो तो समुद्र उसको अपने आगोश में ले लेता है। पर समुद्र चाहे कितना भी आतंक क्यों ना दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले सेलिब्रिटी। और यहाँ जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। हाजी अली की ये दरगाह एक धार्मिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है, इसीलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग
यहाँ पर इस चमत्कारिक दरगाह की असीम शक्तियों को महसूस करने आते हैं। अब ये तो आपको मालूम ही है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों से हुआ था और अरब के देशों से ही भारत में मुसलमान आए थे जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। पर आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय था जब कई सारे संत भारत आए थे और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से एक थे हाजी अली। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो हाजी अली शाह के बारे में न जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान आज हाजी अली को समुद्र के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों न हो। और इस रहस्यमय और अनोखी चीज को मुंबई के लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों न हो जाए या फिर पूरी मुंबई ही क्यों न डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों के चलते तबाही का मंजर बना देता है। पर समुद्र चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों न ले ले, वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़ी चमत्कारी बातों के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ी एक नेगेटिव बात भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर नहीं जाना चाहिए, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी, पर 2011 के बाद न जाना ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगा कि यहां महिलाओं का जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से इस दरगाह में जाने के लिए बैन लगा दिया। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। हालांकि महिलाएं अपने हक के लिए लगातार लड़ाई कर रही हैं, लड़ रही हैं और ये केस कोर्ट में भी चल रहा है और आने वाले समय में इसका भी नतीजा देखने को मिल जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस सिद्धांत पर चलने वाले बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल ढेरों सुर्खियां बटोर रहे हैं, पर हजारों बाबाओं की तरह उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। क्या बागेश्वर सरकार सच में बिना समस्या बताए समाधान देते हैं? क्या बागेश्वर धाम जाकर भूत पिशाच बाधा चुटकियों में दूर हो जाती है? क्या है बागेश्वर धाम की भभूति का असली रहस्य? आखिर क्यों केवल तीन रंग के कपड़ों में ही नारियल बांधा जाता है? कैसे लगती है बागेश्वर धाम में अर्जी? आखिर बागेश्वर सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो ना केवल हिंदुओं को बल्कि दूसरे लोगों को भी मंत्रमुग्ध कर रही है? जज, तहसीलदार, MLA, मंत्री, यहाँ तक कि मोदी सरकार के दिग्गज नेता, साथ ही अमिताभ बच्चन और साउथ के बड़े बड़े अभिनेता भी यहाँ सर झुकाने आते हैं, और सोनू निगम ने भी बागेश्वर सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। तो फिर देर किस बात की? चलिए जानते हैं क्या है बागेश्वर धाम सरकार की असली सच्चाई। इस चमत्कार का रहस्य शुरू होता है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छतरपुर में बसे बालाजी महाराज के मंदिर से, जिसके पास एक शिवजी का मंदिर है जहां कोई बल्ब या LED आज तक रोशनी नहीं कर पाया, क्योंकि ये मंदिर केवल दिए की ज्योति से ही रोशन होता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। पर असली चमत्कार होना तो अभी बाकी था, क्योंकि छतरपुर की मिट्टी से अब वो सनातनी वीर आगे आया जो खुद को सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है और आज के युवकों की आंखों से फेक सेकुलरिज्म की पट्टी को हटाने का दावा करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। पर ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने केवल 26 वर्ष के एक युवा को देखा है जो बालाजी की कृपा से चमत्कार करता है। पर आज हम आपको बताएंगे वो काला सच, वो अंधकार जिससे लड़कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दुनिया का सामना किया। गरीब परिवार में जन्मे धीरेन्द्र बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिए गए और घर का अनाज कथा और रामायण पाठ करके आता था। पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं थी, पर धीरेन्द्र के दादाजी एक बड़े संत थे और शिवजी के मंदिर के आगे बालाजी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना भी उन्होंने ही कराई थी। धीरेन्द्र ने 9 वर्ष की उम्र में ही भक्ति से अपना मोह लगा लिया और हर दिन बालाजी की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। अपने दादाजी को गुरु बनाकर उन्होंने रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथों का ज्ञान लिया और बालाजी की भक्ति में रम गए। पर इस समाज में जीने के लिए इतना ही कहां काफी है? बालाजी सरकार ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से ही की, पर क्योंकि गाँव में केवल 8वीं तक की ही कक्षा थी, इसीलिए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 6 मील दूर चलकर जाना होता था, और कुछ इस तरह उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की है। तो इतना तो साफ है कि चमत्कार दिखाने वाला कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, पर सवाल उनकी पढ़ाई का नहीं है, उनकी शक्तियों का है कि कैसे पीड़ितों का दुख सुने बिना उनकी कमल एक कागज पर उपचार लिख देती है और जिसे वो बालाजी की कृपा कहते हैं।
इस राज से पर्दा उठाने के लिए हाल ही में उनके रायपुर की सभा में टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज और भी बहुत से न्यूज चैनल के पत्रकार गए और यहां उन्हें लगा सबसे बड़ा झटका। वहीं खड़े खड़े पत्रकारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बागेश्वर सरकार ने उनमें से एक पत्रकार के बारे में बिना कुछ पूछे ही पर्चे में लिख दिया और ये सारी बातें शत प्रतिशत सच निकली। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों द्वारा उठाए भक्तों को स्टेज पर बुलाया और उनका ही कहा पर्चा भी पढ़ा और वो बातें भी बिल्कुल सच निकली। पर अब सवाल ये है कि क्या ये माइंड रीडिंग है, क्या ये कोई साइंस की टेक्निक है या फिर सच में एक चमत्कार है। हाल ही में श्याम मानव नाम के एक शख्स ने बागेश्वर धाम सरकार पे अंधविश्वास का गहरा आरोप लगाया और ऐसे ही कई सवाल भी उठाए। यहाँ तक कि उनका दावा तो ये है कि नागपुर में आयोजित बागेश्वर धाम सरकार की एक सभा में उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को अपनी शक्तियों का प्रमाण देने को कहा और कहा कि अगर वो ये सिद्ध कर पाएंगे तो उन्हें 30 लाख का इनाम भी मिलेगा, पर बाबा वहां से भाग खड़े हुए। इस पर बागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है कि ये झूठा आरोप है, ये केवल सनातन धर्म को टारगेट करने का एक तरीका है और अगर श्याम मानव को किसी भी तरह की पुष्टि चाहिए तो वो छतरपुर में आमंत्रित हैं। इस मुद्दे पर सोनू निगम ने बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट करते हुए कहा है कि जो भी सनातन धर्म के विरोध जाएगा उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार के साथ आए दिन किसी न किसी नेता अभिनेता की तस्वीरें आती रहती हैं। बीजेपी के प्रमुख मंत्री मनोज तिवारी भी बाबा के नाम के जयकारे लगाते नजर आ चुके हैं और कांग्रेस के भी कई नेता बाबा का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार सिर पर पगड़ी पहने और तिलक लगाए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पर अगर इनके सामने कोई झूठी पीड़ा या छल कपट के भाव से आता है तो उसे डांटने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ दुखों का निवारण केवल पन्नों पे लिखे हुए उपायों से ही नहीं होता, बल्कि उस भभूति से भी होता है जिसे वो परंपरा और बालाजी का प्रसाद मानते हैं। ये भक्तों में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार स्वयं हनुमान जी का रूप है और जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोगों का मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। पर सवालों की सूची यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ में से आखिर किसकी अर्जी मंजूर होती है और कैसे, क्योंकि लाखों भक्तों की अर्जी एक बार में तो सुनी नहीं जा सकती। तो आखिर उस भीड़ में से कैसे चुने जाते हैं वो भक्त जिनकी अर्जी बालाजी तक पहुंचती है। यहाँ पहेली आती है तीन रंग के कपड़ों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बालाजी तक अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए नारियल को पीले, लाल या फिर काले रंग के कपड़े में लपेटकर बागेश्वर धाम में रखना होता है और उसमें अपनी अर्जी लिखनी होती है। अब उसमें से जिसकी अर्जी मंजूर होती है उसे इस चमत्कार को महसूस करने का मौका मिलता है। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये तीनों रंगों की क्या पहेली है। दरअसल सामान्य समस्या वालों को नारियल लाल रंग से बांधना होता है, शादी से जुड़ी समस्या वालों को नारियल पीले रंग के कपड़े से बांधना होता है और भूत पिशाच की बाधा वालों को नारियल काले रंग के कपड़ों से बांधना होता है। अब इन्हीं चीजों को कई लोग अंधविश्वास कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये काला जादू है और केवल अंधविश्वास का एक जाल है जो मासूम लोगों को फंसा रहा है। वहीं लल्लन टॉप के न्यूज के मुताबिक बागेश्वर धाम की टीम ने कई जमीनें गैर कानूनी ढंग से कब्जा रखी हैं और कई लोगों का मुंह पैसे और पावर से बंद किया हुआ है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये मीडिया और कुछ नास्तिक लोगों की साजिश है जिससे वो सनातन धर्म को टारगेट कर सके। तो आखिर क्यों ये सवाल किसी मौलाना या फिर पादरी पर नहीं उठते, क्यों केवल सनातन धर्म के गुरु और बाबाओं पर ही सवाल उठाए जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार गरीबों के लिए भंडारा भी चलाते हैं और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, इन चीजों को मीडिया क्यों नहीं दिखा रही। ये सारे सवाल अब भी गहरी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आप बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट करते हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। ऐसे ही राजों पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख दें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।